Hello everyone, this is Shuli from Shuli's Kitchen. Welcome everyone on Bhojan Rasik. Today I'm preparing noodles. Thank you for coming live. Let's start cooking noodles with me. So, पहले मैं क्या करती हूँ, अपना गैस ऑन करती हूँ। इस पे मैं पहले पानी बॉईल करने के लिए रख दिया मैंने। पानी बॉईल करने के लिए जब तक मैं रख रही हूँ तब तक मैं सब्जी चॉप कर लेते हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं, जनरली नूडल्स में कैबेज, ऑनियन, बेल पेपर, कैप्सिकम जिसे कहते हैं, कैरेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। और उसको एकदम फाइन चॉप करना होता है। जैसे मैंने ये कैरेट्स काट के रख लिए हैं, मैं आपको कैबेज चॉप करके दिखा देती हूँ। एकदम बारीक चॉप करना है। नूडल्स बनाना बहुत इजी है एक्चुअली, लेकिन जो नूडल्स को जब हम बॉईल करते हैं, बॉईल का थोड़ा प्रोसेस होता है। ये पानी बॉईल हो रहा है, मैं इसमें क्या करती हूँ, 1 से 2 स्पून मैं ऑयल डाल देती हूँ ताकि जो नूडल्स है वो स्टिकी नहीं होगा। तो मैंने इसमें 1-2 स्पून मैंने ये ऑयल डाल दिया। एंड इसमें 1 स्पून मैंने सॉल्ट डाल देती हूँ। अब इसको बॉयल होने देते हैं पानी को पहले, जब तक मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। कैबेज चॉप करके रख लिया, ऑनियन चॉप करके रख लिया मैंने, एंड कैरेट भी चॉप कर लिया है मैंने। नूडल्स में गार्लिक चाहिए होता है बहुत अच्छे से, मतलब मैंने 1 पूरा गार्लिक 7-8 cloves उसको मैंने एकदम अच्छे से चॉप करके रखा है। और मैं बेल पेपर डालूंगी जिसको बोलते हैं कैप्सिकम। ये स्ट्रीट फूड जो होता है, नूडल्स जो स्ट्रीट फूड हम खाते हैं, आई होप कि वैसा ही फ्लेवर आपको मैं दे पाऊंगी। ये भी एकदम चॉप करके काट लेना है। पानी मेरा ऑलरेडी बॉईल होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कैरेट्स भी मैंने एकदम अच्छे से, कैरेट की तरह मैंने शिमला मिर्च को भी अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, पानी जो बॉईल कर रहे हैं या जो आप नूडल्स बना रहे हैं, ये एकदम हाई हीट में होना चाहिए। आप चाहे इंडक्शन पे बनाएं, चाहे आप स्टोव पे बनाएं, चाहे आप गैस पे बनाएं, हीट हमेशा एकदम हाई होना चाहिए। तो ये अब मेरे पास नूडल्स है, प्लेन नूडल्स। तो ये नूडल्स मैं, पानी गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल देती हूँ। ज़्यादा नहीं, 3 से 5 मिनट मैक्सिमम, 3-5 मिनट्स के अंदर हाई हीट पे आपका नूडल्स बॉईल हो जाएगा। और ऑयल डालने की वजह से
ये नूडल्स बॉयल होने के बाद भी चिपचिपा नहीं होगा। स्टिकी नूडल्स खाने में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, है ना। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो लोग जो हमारा जो नूडल्स हमें खाने को मिलता है और जब हम घर पे बनाते हैं, बहुत डिफरेंट होता है दोनों नूडल्स में। तो आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला ही ट्राई करेंगे खाने के लिए। देखिए ये ऑलमोस्ट हाफ बॉयल हो गया है और 2 मिनट्स हम इसको बॉयल करने देते हैं। जब तक हम क्या करते हैं, एक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट जो कि हम नूडल्स बनाते वक्त जो डालेंगे पेस्ट, हम उसको बना लेते हैं। क्या क्या डालेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको दिख रहा होगा, है ना, नूडल्स बॉयल हो रहा है एकदम अच्छे से। अब हम इसको ना रिंस कर लेंगे ठंडा पानी में, तो स्टिक नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लोग पहले ये बना लेते हैं पेस्ट। इसमें मैं 2 टेबलस्पून, आप आपके हिसाब से चिली पेस्ट डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून चिली पेस्ट डाल दिया। वन टेबलस्पून मैं जो टोमेटो केचप होता है, प्लेन टोमेटो केचप, मैं 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल दिया। सोया सॉस, जो सोया सॉस होती है वो मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालने वाली हूँ। टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाल दिया और अब ये अच्छे से बॉयल हो गया है। मैं थोड़ा सा लो कर देती हूँ स्टीम को, हीट को मैंने थोड़ा सा लो कर दिया। इसमें मैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दिया और विनेगर, प्लेन विनेगर, वो मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। अब ये जो पेस्ट है इसको हम मिक्स करके रख लेते हैं साइड पे। हमारा नूडल्स बॉयल हो गया, देखिए ओनली फॉर 5 मिनट्स हुआ होगा, हमारा नूडल्स गर्म हो गया है। मैंने पैन लगा दिया है, अब इसको मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ ठंडा पानी में। ठंडा पानी मैंने यहाँ पे चला दिया। आप देख सकते हैं जो भी स्टर्च है इसका सारा निकल गया है और एकदम नॉन स्टिकी हो गया है। इसको मैं अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख दिया। मेरा ये ऑन हो गया, इस पे मैं ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल करीब 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया मैंने। ऑयल अच्छे से चाहिए नूडल्स बनाने के लिए। इस पे मैंने जैसे बताया था 7 to 8 मैंने गार्लिक चॉप करके रख लिया, वो डाल दिया मैंने।
इसके बाद मैंने ये ऑनियन डाल दिया। हमें सब्जी को, जो भी वेजिटेबल्स हम डालेंगे, उसको फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हल्का सा सॉटे करना है, उसका जो रॉनेस होता है वो रॉनेस हमारा जाना चाहिए, दैट्स इट। ये मैंने कैरेट डाल दिए, आपके पास अगर ग्रीन ऑनियन है तो ग्रीन ऑनियन के जो नीचे का जो वाइट ऑनियन जो पोर्शन रहता है उसको भी आप इसमें डालेंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं बेल पेपर डाल दिया। मेरे पास येलो कैप्सिकम था तो मैंने येलो डाला, आपके पास अगर ग्रीन कैप्सिकम है तो आप ग्रीन कैप्सिकम डाल सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है अगर आपके पास सब कुछ प्रिपेयर है। अब मैं कैबेज भी डाल दूंगी। ये मैं हाई हीट पे कर रही हूँ। अब नूडल्स बनाते वक्त हीट को कम नहीं करना है, हाई हीट पे ही नूडल्स बनानी होती है। ये मेरा सॉटे हो गया है सारे वेजिटेबल्स, जैसा मैंने कहा है टाइम नहीं लगता है। और एक टिप्स बोलूँगी कि सॉल्ट को इस टाइम पे मत डालिएगा, नहीं तो वो सॉगी हो जाएगा। जब अगर नूडल्स जब एकदम आप डाल के सारा मसाले जब डालेंगे तभी आप सॉल्ट डालिएगा, नहीं तो आपका जो जो वेजिटेबल्स है वो सॉगी हो जाता है। ये हो गया है, मैं इसमें डाल दिया मैंने। अब जो मैंने मसाले जो बना के रखा था वो भी डाल दिया और अब जाके सॉल्ट। सॉल्ट आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सोया सॉस डाला है तो हमें थोड़ा कम ही सॉल्ट डालना है। अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स हो गया है, नूडल्स बनके तैयार। अब डिश आउट कर लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। और जो सॉस है वो आप आपके हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर चिली आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम चाहिए, थोड़ा स्पाइसीनेस कम चाहिए तो आप थोड़ा कम डाल सकते हैं। बन गया है, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। पहले तो मैं ऑफ कर दिया हीट को। अब मैं इसको एक डिश में सर्व करती हूँ।
देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बना है मेरा नूडल्स, और कितना झटपट बन गया, कितना जल्दी बन गया, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का यम्मी बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, आज का लाइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड ईट फ्रेश, स्टे हेल्दी। थैंक यू भोजन रसिक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बाय टू एवरीवन, बाय।